पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। हाँ शिल्पा, मैं बस 10 मिनट में पहुंच गई हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी निकल रही हूँ, हम लोग कॉलेज के गेट पे मिलते हैं। हाँ ठीक है, वहीं पे रहना, मैं आती हूँ। बाय। आई आई उज्जा उज्जा आराम से। ये लो, मैंने तेरे लिए पोहा बनाया। नीलू बेटा, तूने नमक का डब्बा फिर से छिपा दिया ना, इसमें ठीक से नहीं डाला है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें नमक कम खाने बोला है, और ये तो ये दवाइयां रखी हैं, इनको टाइम पे ले लेना, ठीक है? चल अच्छा, मुझे कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ अभी, तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? आई नीलू बेटा सुन। हाय। ये तेरे बाबा की इस महीने की पेंशन आई है, ये 500 रुपए रख और अपने लिए एक नया कुर्ता या टॉप खरीद ले। रोज कॉलेज जाती है, वही 2-4 कपड़े घिसती रहती है। तेरे बाबा होते तो अपनी परी जैसी बच्ची को ऐसी हालत में कभी नहीं रखते, कभी नहीं रखते। तू रो क्यों रही है? तू रोना बंद कर पहले, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना। तू रो मत, मेरे पास कपड़े हैं, इससे ना मैं तेरे लिए 2 गाउन लेके आऊंगी। नहीं बेटा, मैं कहीं आती जाती भी तो नहीं हूँ। सब पता है मुझे, जब भी कहीं बाहर जाती है बस यही पहन के जाती है। पर तुम मेरी टेंशन मत लिया कर, तू अपना ख्याल रख, ठीक है? अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, मैं जल्दी घर आऊंगी, ठीक है? चल भाई, अपना ख्याल रखना बेटा। राधिका, 2 मिनट में आया मैं, जस्ट 2 मिनट्स। ऑल राइट। राधिका, लुकिंग हॉट यार। वैसे कल रात जो हुआ तो वो भूल गई या याद है अभी भी? ऑफ कोर्स डार्लिंग, सब याद है मुझे। इनफैक्ट आई एम सो ऑब्सेस्ड विद यू, आई हैव अ प्रूफ। सी, या वायरल कर दू, आई हैव अ बेटर आइडिया, तेरे आई बाबा को भेज देती हूँ। क्या अब भी करती हूँ ना मैं? आर यू मैड? मत कर जरा। नहीं करूँ। ठीक है, नहीं करते। ओके, हर चीज की ना फीस होती है सेमी, इसकी 5,000 है। आई एम सो सॉरी मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं। वैसे आंटी कैसी है? कैंसर पेशेंट है यार, कैसी होंगी, ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं करा पा रही हूँ उनका, ऊपर से स्माइल करती है। नीलम बात करनी है अकेले में। उद्धव देख, मैंने तुझे 50 बार बोला कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर्स इन सब में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बात ना तू समझ ले, ठीक है? चल चल। नीलम सुनना, अगर फ्री है तो मेरे प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स कर देगी। ओके ठीक है, लेक्चर के बाद केमिस्ट्री लैब में मिलते हैं। थैंक्स यार। अरे ये क्यों दे रही है, बाद में दे देना ना। रखना, मुझे पता है तू बहुत ऑनेस्ट है, और वैसे भी तू कहाँ भागी जा रही है। चलो मिलते हैं। बाय बाय। अरे बेटा, एप्रन पेन। ए सूर्या, तेरे को बोला था ना मैंने, हाँ प्रैक्टिकल चल रहा है, चल निकल यहाँ से।
ले उठा वो। हाँ। चलना देख क्या रहा है। कहाँ थे तुम? सॉरी लेट हो गया। अच्छा संजय थैंक यू। अरे इट्स ओके कोई बात नहीं। तुमने असाइनमेंट किया? हाँ। केमिस्ट्री लैब जाएगी ना सिद्धि का असाइनमेंट करने? हाँ यार करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। बाबा की पेंशन ना पूरी नहीं हो रही आई की मेडिसिन के लिए। कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। चल मैं चलती हूँ। चलो ध्यान रखना अपना। बाय बाय। ये सब नाटक नहीं चलेगा, क्लास में ध्यान का होता तुम लोगों का। एक बार तुम लोग जाओ, मैं तुम लोग से बाद में बात करती हूँ। क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों परेशान कर रही हो बार बार? मैम आपने प्रॉमिस किया था। कैसा प्रॉमिस? देखो मुझे परेशान करना बंद करो वरना। नीलू सुबह कॉलेज गई थी, अभी तक नहीं लौटी साहब। नीलू कॉलेज के बाद किसी दूसरे कॉलेज सेमिनार के लिए जाने वाली थी। शाम 7 बजे तक वो वापस लौटने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी साहब। मैं विधवा, बीमार, कैंसर की मरीज, कहाँ ढूंढूंगी उसको? देखिए आप इतनी चिंता मत कीजिए, हो सकता है वो अपनी सहेलियों के साथ गई हो या किसी बॉयफ्रेंड के साथ। नहीं नहीं साहब, मेरी नीलम ऐसी नहीं है। बीमार माँ से फुर्सत मिले तो भी वो ये सब में नहीं पड़ेगी। माँ जी आपने नीलम के दोस्तों से पता किया? उसकी एक ही दोस्त है शिल्पा, मैंने रात को उसको फोन किया था। वो बोली कि उसने आखिरी वक्त नीलम को कॉलेज से निकलते वक्त ही देखा था। माँ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम उसको ढूंढेंगे। अभी आप आराम से घर जाइए। मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिएगा साहब। शिरके एसवी को कॉलेज जाके नीलम के बारे में पता करो और उसके मोबाइल से उसका लास्ट लोकेशन निकलवाओ जल्द से जल्द। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। और सर प्रॉब्लम यह है कि आज संडे है और कल 15 अगस्त, मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉपर लीड मिल पाएगी, फिर भी ट्राई करता हूँ सर। जब आंटी ने लेट नाइट फोन करके बोला कि नीलम अभी तक घर नहीं पहुंची है तो मैं भी बहुत टेंशन में आ गई थी मैम। मैंने नीलम को बहुत बार कॉल लगाया पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बता सकती हो कि नीलम कहाँ जा सकती है? मतलब उसका कोई फ्रेंड बॉयफ्रेंड जो तुम्हें पता हो उसने अपनी माँ को ना बताया? नहीं मैम, नीलम इस तरीके की लड़की है ही नहीं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।